Awakening with Brahma Kumaris. Om Shanti. Awakening with Brahma Kumaris ke is kadi mein aap sabhi ka swagat karte hain. I am a peaceful soul. Main ek shant swaroop atma hoon. Main ek prem swaroop atma hoon. Aise kitne hi aspects hum sunte aa rahe hain aur har baar humne ye samjha hai, ye jana hai ki जो कुछ हो रहा है मेरे साथ या जिस तरह से भी मैं ज़िंदगी चाहता हूँ, जो जीना चाहता हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है. लेकिन आज के इस युग में रहते हुए जो बाहरी पूरा वातावरण है, कई बार ये लगता है कि क्या वो ज़िम्मेदारी, अपनी ज़िम्मेदारी, अपने साथ होते हुए हर जो आस्पेक्ट है उसकी ज़िम्मेदारी उठाने की क्षमता मेरे में है, और क्या कोई एक ऐसा सोर्स मुझे मिल सकता है जो मेरे इस ज़िम्मेदारी में मेरा साथ दे पाए. आज एक बार फिर यही जानने की कोशिश करते हैं कि ये ज़िम्मेदारी, ये ज़िम्मेवार जो मैं हूँ अपने प्रति, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये मैं कैसे उठा सकता हूँ. कौन सा है वो सोर्स जो मुझे वो शक्ति दे सकता है और कहीं ना कहीं मेरी मदद करने को तैयार है. इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर दीपा. आपका बहुत बहुत स्वागत. ओम शांति. ओम शांति. सिस्टर दीपा, हमने बहुत सी बातें कर ली और जिस तरह से हमने इतना डीप में जाके समझा है उन सभी बातों को, तो दिखता है कि जो जो बातें अभी तक मुश्किल लगती थी, जो जो बातें ऐसा लगता था कि ये क्यों है हमारी ज़िंदगी में, अब ये तो नज़र आ गया है कि मुझे ही चेंज करना है. और जहाँ वो चेंज किया मैंने, वो आसान हो सकते हैं, वो सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो दूर हो सकते हैं. लेकिन आज के इस युग में, ज़िंदगी जीते जीते इस पड़ाव तक आते आते, मुझे लगता है मैं भी शायद थक गई हूँ, डिप्लीटेड हो चुकी हूँ. तो क्या मैं कोई ये ज़िम्मेदारी अकेले ही उठानी हर चीज़ की, या कोई एक ऐसा सोर्स है जो मुझे पार दे सकता है? नहीं, हम बहुत लकी हैं कि ऐसा सोर्स है, और वो सोर्स स्वयं ही हमें ऑफर कर रहा है कि अगर हम अपने मन बुद्धि को उस सोर्स से, जो परमात्मा है, जो हम कहते हैं सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों और शक्तियों का वो स्रोत है, उनके साथ अगर हमारा संबंध जुड़ जाता है, तो हमारा कनेक्शन जब उस सुप्रीम के साथ जुड़ जाता है और उस रिलेशनशिप को हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस साथीपन का अनुभव जो है वो हमें हर कर्म में, हर परिस्थिति में, हर संबंध में परिवर्तन करने की शक्ति दे देता है. मैंने जवाबदारी तो स्वीकार कर ली कि मुझे बदलना है, बस यही एक संकल्प, ये जो हिम्मत मैंने रखी, वो हिम्मत मुझे परमात्मा की मदद का पात्र बना देती है. जैसे कहते हैं ना, हिम्मत है बच्चा, मदद है खुदा. बिल्कुल. और पहला कदम मुझे ही उठाना है. उठाना. तो ये पहला कदम, हिम्मत रख ली, ये संकल्प लिया कि ये जो जवाबदारी की बात है, ये जिम्मेदारी मेरी अपनी है, बदलना मुझे खुद है. तो उसके बाद वो परमात्मा का जो साथ मिलता है, वो किस तरह से हमारी जो है इस जिम्मेदारी को साथ निभा सकते हैं? तो हम देखते हैं कि मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं, तब तो उसके साथ का अनुभव होता ही है, लेकिन वो जो शक्ति हमें प्राप्त होती है, वो फिर सारे दिन में आप अपने कारोबार में भी उस साथ का अनुभव करते हुए उन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिल जाती है, उन परिस्थितियों को नए दृष्टिकोण से देखने की समझ मिल जाती है, उन संबंधों के प्रति भी गुड विशेस जो है, पॉजिटिव फीलिंग्स जो है, वो नेचुरली इमर्ज होना शुरू हो जाती, जिससे वो कॉन्फ्लिक्ट्स या कोई भी बातें जो होती है वो रिजॉल्व करना बहुत सहज हो जाता है. तो हम देखते हैं कि उसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ उसकी मदद मिल जाती. वो एक हिम्मत का जो कदम है, वो मेरा कंट्रीब्यूशन अगर मैं आगे रखती हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसकी मदद मिलती. तो अगर हम देखें, पहली बात है कि सारे दिन की हमारे कई जिम्मेवारियाँ हैं, कई कारोबार हमें सारे दिन में करने हैं, तो हम प्लान कर लेते हैं आज ये टास्क मुझे करना है, आज ये बातें मुझे आज फुलफिल करनी है हर एक क्षेत्र में. तो हम देखते हैं अगर हम अपने तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कि मैं कुछ समय साइलेंस में रहना चाहता हूँ, मैं अपने मन को उसके लिए तैयार करना चाहता हूँ, सकारात्मक विचारों से अपने प्रति, उस कारोबार के प्रति, उन सभी लोगों के प्रति मैं एक सकारात्मक चिंतन उस साइलेंस में अपने साथ क्रिएट करती हूँ, तो परमात्मा की मदद मुझे मिलती. क्योंकि वो कनेक्शन जो है वो सोर्स ऑफ पीस के साथ है, शांति के सागर के साथ है. तो वो शांति की शक्ति, साइलेंस तो मैं रही, मैं अपने साथ एक मिनट तो मैंने साइलेंटली अपने साथ बिताया, लेकिन उसमें वो शांति की अनुभूति हमें हो जाती है. और हमारे अंदर शांति की शक्ति भरती जाती है. वो वहाँ से मिलती है, वो वहाँ से मिलती है. जिसके वजह से जब हम कारोबार में आते हैं,
तो वो कारोबार हमारे लिए सहज होता जाता है, क्लैरिटी आती है, वो शांति की शक्ति हमारे लिए वो कारोबार में समझ देती है, क्लियरली हम समझ सकते हैं मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, निर्णय लेना सहज हो जाता है. और फिर हम देखते हैं बहुत एक्यूरेसी आती है, वो कारोबार में बहुत एनर्जी हमें यूज़ नहीं करनी पड़ती, जो हम कहते हैं अनडिमांडिंग टास्क हो जाते हैं, बहुत सारी हमारी शक्ति उसमें प्रयोग नहीं होती, बिल्कुल वो जो नर्वस एनर्जी, कंटिन्यूअसली नर्वस एनर्जी चलती रहती है, चिंता होती रहती है होगा नहीं होगा, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, टेंशन जो है वो समाप्त हो जाए, अटेंशन आ जाता है अपने ऊपर और उस रिलेशनशिप पर, तो हम मन बुद्धि को उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, वो कनेक्शन सस्टेन होता है. तो जैसे यहाँ हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कनेक्शन है सोर्स के साथ, इसलिए हम सभी साधनों का प्रयोग कर रहे हैं. ऐसे वो अटेंशन आ जाता है, कनेक्शन रहता है, तो ऑटोमेटिकली वो टास्क जो है वो इजी फील होता है, उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं, स्ट्रेस नहीं फील करते. बहुत सुंदर आपने बात कही कि वो पहला कदम जहाँ परमात्मा के साथ इस रिश्ते की बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं, जो एक्सटर्नल सोर्स की हमने पहले भी बात की थी वो चाहिए. तो जहाँ आपने कहा कि साइलेंस में जाना, पहला कदम मुझे उठाना है वो साइलेंस में जाने के लिए, उसके बाद पीस की जो शक्ति है, पीस की जो पार है, वो मुझे वहाँ से मिलती है. आगे चलें तो और भी किस तरह के साथ? हाँ, क्योंकि सारे दिन में हम देखते हैं कि कई संबंध हैं, तो कई संबंध हैं जो सुखदायी है, जो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं, जहाँ हार्मनी नेचुरल है, तो वहाँ उन संबंधों में रिलेट करना तो बहुत सहज हो जाता है. वी इन्जॉय वर्किंग विद पीपल, हम अपने परिवार में भी उन लोगों के साथ समय बिताना बहुत आनंद मिलता है, खुशी मिलती है. लेकिन फिर ऐसे भी संबंध होते हैं जहाँ कुछ मतभेद हैं, जहाँ कुछ डिसहार्मनी है, जहाँ थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, या थोड़ा थोड़ा क्लैश है. अब वहाँ हम देखते हैं हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रहा. तो परमात्मा के इस शिक्षाओं के आधार से हम समझते हैं कि हमें गुड विशेस रखना जरूरी. आई नीड टू थिंक गुड अबाउट अदर्स, पॉजिटिव अबाउट अदर्स. मुझे उनकी विशेषताओं को देखना है, मुझे उनके प्रति गुण ग्राहक दृष्टि रखनी है. तो जब वो गुड विशेस आ जाती है तो वो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है. और जब परमात्मा की याद में हम उन व्यक्तियों को देखते हैं, उनके साथ संबंध में आते हैं, उनको भी ईश्वरीय संतान के रूप में देखते हैं, तो गुड विशेस के साथ साथ फिर उस संबंध में जो बातें मुझे दुख दे रही थी, जो पूर्व अनुभव हैं, उन अनुभवों को लेट गो करने के लिए, उन अनुभवों में जो दुख महसूस हुआ है उसके लिए उनको क्षमा भाव, उनको क्षमा करने की शक्ति मिल जाती. The power to forgive and the power to let go. पीड़ा जो दी थी, पीड़ा जो का जो एहसास, वो पेन को हम लेट गो कर लेते हैं, वो पेन को हम होल्ड ऑन कर रहे हैं, तो शायद हम अपनी शक्ति से उसको लेट गो नहीं कर पाते. हम समझ तो लेते हैं कि ये पेन है, ये सफरिंग है, ये अननेसेसरी है, हम इसको होल्ड ऑन कर रहे हैं, तो हमने एक संकल्प तो किया है कि अभी मुझे इस पेन को लेट गो करना है, मुझे इस व्यक्ति के प्रति अभी गुड विशेस रखनी है, मुझे उनकी कमजोरियों को समझते हुए उनको समा लेना है, अब मुझे उनकी विशेषताओं को ही देखना है, उनके साथ ही मुझे काम करने हैं, ये एक दृढ़ संकल्प तो हो जाता है. तो वो गुड विशेस आ जाती है, फिर उस परमात्मा की याद से हमें वो शक्ति मिल जाती है, हम उनको क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को कहा ही गया है क्षमा का सागर. तो हम देखते हैं हमें भी कई बार सारे दिन में कई बातें हम करते हैं, कई बातें हम देखते हैं ठीक नहीं होती हैं, गलतियाँ होती हैं, लेकिन जब भी हम उसके साथ मेडिटेशन करते हैं, उसके साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, हम फील करते हैं कि वो हमें एक्सेप्ट करता है, वो हमें फॉरगिव कर लेता है. तो उस फीलिंग से, उस लव से हम महसूस करते हैं कि हमें भी वो पावर मिल जाती है, उनको भी हम फॉरगिव कर लेते हैं और वो लेट गो कर लेते हैं उस पेन और सफरिंग से. बहुत सुंदर आपने बात की, क्योंकि खुद के बस में लगता नहीं है कई बार कि हम, क्योंकि हमने जो पूरा देखा है अपना पूरा ये सफ़र, उसमें हर चीज़ हमसे उम्मीद की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम वो पहला कदम अगर उठा लेते हैं तो फिर ईश्वर जो है हमें वो शक्ति दे देता है. बिल्कुल. और वो कनेक्शन सिर्फ स्थायी हो, अगर वो कनेक्शन स्थायी रहता है तो वो हम देखते हैं वो शक्ति का अनुभव हम सारे दिन में करते रहते हैं. और निश्चय हो, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि हमें परमात्मा के संबंध की अनुभूति है, लेकिन साथ साथ निश्चय की कुछ कमी हो जाती, वो कर पाएगा, मुझे शक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं तो कनेक्ट कर रही हूँ लेकिन मुझे सचमुच वो पावर मिलेगी, कॉन्फिडेंस नहीं. तो हम जैसे निश्चिंत होकर, जैसे एक छोटा बच्चा है वो कैसे अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है, ट्रैफिक में वो चल रहा है तो पिता का हाथ उसने पकड़ लिया, वो निश्चिंत हो जाता है, पूरा विश्वास है, उसको कोई चिंता नहीं. ऐसे ही बच्चे को अगर बीच में, ट्रैफिक के बीच में रख लो तो वो तो बहुत घबरा जाएगा, वो तो रोने लगेगा, लेकिन जब उसका हाथ उसके पिता के साथ है, अर्थात हमारी बुद्धि का हाथ
जब परमात्मा के साथ है, जो हमारी आत्मा का पिता है, स्पिरिचुअल मदर और फादर है, तो उस कॉन्फिडेंस से जब हम अपने हाथ को उसको समर्पित कर लेते हैं, अपने बुद्धि को समर्पित कर लेते हैं, तो उसकी मदद हमें मिलती है, तो वो साथीपन का अनुभव हमें मिलता है, हमें डायरेक्शन अपने आप देता है, गाइडेंस मिलता जाता है, और वो शक्ति जो है क्षमा की, लेट गो करने की, उस पेन और सफरिंग को हम रिप्लेस कर लेते हैं पॉजिटिव फीलिंग और हैप्पीनेस से, हम उसी परिस्थितियों या उस व्यक्ति को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वो फीलिंग्स जो है पास्ट की जो हम कैरी ओवर कर रहे हैं, जो बर्डन है, जो नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस है, वो वेट जो है उसको हम रिलैक्स कर लेते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, हम बहुत हल्केपन का महसूस करते हैं, और उसी संबंध में फिर से आते हैं, लेकिन बहुत लाइट फील करते हैं, कोई वो पीड़ा नहीं, कोई भी रिएक्शन नहीं रहता है, और हम उनको भी बहुत उस सकारात्मक भावना से उनके साथ संबंध में आ सकते हैं, वो गुड विशेस फिर नेचुरल हो जाते हैं, और साथ साथ हम देखते हैं संबंधों के साथ साथ हम कई सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, परिस्थितियां बहुत मुश्किल हो जाती हैं, बहुत मुश्किल है, जब अभी हम देखते हैं तो हमें लगता है ये सिचुएशन से मैं सोल्यूशन नहीं कर पाऊंगी, ये क्या होगा आगे चल के मैं कैसे करूंगी, चाहे वो सिचुएशन हमारे फैमिली में हो, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, ऑफिस में कोई ऐसी कारोबार हो, कोई बात हो, कोई टारगेट हो, कोई गोल हो, अगर हम देखते हैं कि कोई समाज में कोई ऐसी बात हो जहां परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं, सेल्फ के अंदर भी यू नो जो इनर जो चैलेंजेस है वहां हम देखते हैं, तो ये सिचुएशंस को हम डील नहीं कर पाते, तो उस समय भी अगर हम देखते हैं कि अगर हम एक हिम्मत का कदम उठाते हैं कि हम तैयार हैं, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, हम एडजस्ट करने के लिए, हाँ हम उसको चेंज करना चाहते हैं, हम हिम्मत रख के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, हम अपने आप को एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो परमात्मा से हमें बहुत मदद मिलती है, हमें बहुत हिम्मत और शक्ति भर जाती है, और उस परिस्थिति को फिर हम बहुत सहज रूप में डील कर पाते हैं, तो वही सिचुएशन जो है जो कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, वो सिचुएशन ऐसे लग रही थी कि इसमें कोई समाधान नहीं मिल सकता है, वहाँ समाधान दिखाई देना शुरू हो जाता है, प्लान जो है वो सामने आ जाता है, और लोगों का भी सहयोग, क्योंकि हमारी हिम्मत देखकर लोग भी हमें मदद करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हिम्मत रख रहा है, नहीं कोई उसके सामने बहुत डिफिकल्ट चैलेंज है, लेकिन वो व्यक्ति ने हिम्मत नहीं छोड़ी, तो हम क्या करेंगे उसकी मदद, हम उसकी मदद बेटर, यस, या हम आउट ऑफ द वे जाके उसकी मदद करेंगे, तो परमात्मा की मदद तो मिलेगी ही, लेकिन साथ साथ हम देखेंगे हमारे सहयोगियों की, कहाँ ना कहाँ कारोबार में जिनके साथ हम काम करते हैं, उनकी गुड विशेज, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका सहयोग हमें मिलना ही है, तो उस रूप से हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है और वो साथ है, तो वो हमें हिम्मत जो मिल जाती है, करेज जो हमारे में आ जाती है, धीरे धीरे वो सिचुएशंस को हम फेस करना शुरू करते हैं और बहुत ईजिली समाधान निकल जाता है, जो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, वहाँ सोल्यूशन दिखाई देता है, हम नए रूप से विचार करना शुरू करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं नई आइडियाज़ मिल जाती है, एक दरवाजा बंद हो जाता है लेकिन कोई खिड़की खुल जाती है, यहाँ वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी जो है हर सिचुएशन के लिए वो सामने, क्योंकि हिम्मत आ जाती है, तो हम कहते हैं ना कि नेचर आल्सो सपोर्ट्स देम हु आर करेजियस, जहाँ हिम्मत है, जहाँ करेज है, तो वो परमात्मा की याद से वो हिम्मत हमारे अंदर भरती जाती, करेज भरती जाती, वो स्ट्रेंथ जो है, जो इनर पावर्स हैं, जो हमने अष्ट शक्तियाँ भी देखी थी पहले, तो वो सभी शक्तियाँ जो है वो इमर्ज होती जाती है, जो पावर टू टॉलरेट है, पावर टू अकोमोडेट है, पावर टू डिसाइड, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू फेस, पावर टू कोऑपरेट, पावर टू विथड्रॉ, पावर टू पुट अ फुल स्टॉप, ये सभी जो अष्ट शक्तियाँ हैं ये इमर्ज हो जाती है, तो उस सिचुएशन में जो शक्ति आवश्यक है वो ऑटोमेटिकली हम यूज करते हैं, और बड़ा सरप्राइजिंग होता है कि हमने कभी सोचा ही नहीं होता कि हमारे अंदर ही है ये सब, अंदर ही है जो सामने आने लगता है, वेरी ट्रू, यस, और उसके साथ साथ कई बार हम अपने जीवन को भी देखते हैं, तो जीवन को देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है, क्या सचमुच मेरा जीवन सफल है, वी आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट आवर लाइफ, तो हमारे जीवन के प्रति भी कभी अगर हम ये फील करते हैं तो उसमें भी हम ये आध्यात्मिक ज्ञान की समझ से पेशेंस रखते हैं कि ठीक है, अब तक जो हो रहा है शायद मुझे लग रहा है कि सही दिशा में नहीं हो रहा है, कई बातें नहीं होनी चाहिए थी, लाइफ के ये डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं, लेकिन अब आगे जो है वो मेरा वर्तमान भी मेरे हाथ में और भविष्य भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है, तो वो पेशेंस अगर रखते हैं, वो फेथ रखते हैं, तो फिर हमें परमात्मा का प्लान, उसका एक जो ऊँचा उद्देश्य है मेरे जीवन के लिए, वो विजन सामने हम फील कर सकते हैं इंट्यूटिवली, क्योंकि ये अंदर से आता है, जो पर्पस है, हायर पर्पस, एक्चुअली इट बिकम्स वेरी 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 क्लियर,
तो वो मेडिटेशन में और वो एक इंटरनल जो हमारा कॉन्वर्सेशन चलता रहता है परमात्मा के साथ, वो एक संबंध जो जुड़ गया तो अंतर ही अंतर में वो जो बातचीत उसके साथ होती रहती है वो हमें गाइड करता रहता है कि ये आपका ऊंचा उद्देश्य, ये परिस्थिति एक्चुअली, ये बातें एक्चुअली आपको उसके लिए तैयार कर रही है, मुझे आपको इस दिशा में ले जाना है, और फिर वो विजन क्लियर हो जाता है, वो गेम प्लान, उसका गेम प्लान जो है वो हमारे सामने आ जाता है। अभी मुझे लगता है ये सब कुछ गलत हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर हम इंट्यूटिवली फील करना शुरू कर देते हैं और फिर वो गेम प्लान दिखाई देता है, वो विजन क्लियर हो जाता है, देन वी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट, यस एग्जैक्टली दैट व्हाट हैपेंड, और फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि हमें पता है कि जो सुप्रीम है उसका साथ है, मेरे में जरूर उस समय वो शक्ति नहीं है लेकिन मेरा साथी तो बलवान है ना, वो तो सर्वशक्तिवान है, तो उसकी मदद से, उसकी समझ से, उसके वो ज्ञान के आधार से मैं उस दिशा में चल सकूंगी। तो जब हमारी बुद्धि उस बुद्धिवानों की बुद्धि के साथ जुड़ जाती है तो वो हमें गाइड करता है, जिसको आज दुनिया में इंट्यूशन कहते हैं। तो इंट्यूशन वाला कहीं ना कहीं वो एक डिवाइन टचिंग है, एक गाइडेंस है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। वो हमारे पास तब आई जब हमने पेशेंस रखी, जब हमने ये रखा, उस पर विश्वास रखा, संपूर्ण विश्वास, और जो सिचुएशंस आ रही थी उसमें हार मानने की कोशिश नहीं की, तो फिर वो जो एक खूबसूरत सा डिवाइन प्लान हमारे लिए है वो हमारे इंट्यूटिवली हमारे सामने आता जाता है, और उसमें वो रिलेशनशिप हम सस्टेन करते हैं। सारे दिन में भी अलग अलग संबंधों से हम उसको याद करते हैं, उसके साथ का वो अनुभव करते हैं, हम अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में फील करते हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है कहीं ना कहीं हम एक इंस्ट्रूमेंट है, वो करा रहा है हमसे, तो जब वो करा रहा है तो उसकी एनर्जी तो अनलिमिटेड है, उसकी विजडम भी अनलिमिटेड है, तो वो गाइडेंस ऑटोमेटिकली मिलता जाता है। और प्रैक्टिकल में हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, कौन से वर्चूज़ हमारे में एम्पावर होते जाते हैं, तो अगर हम पहला वर्चू लें कि पीस जो है, तो जैसे हमारे में पीस आता जाता है, पावर जो है, शांति की शक्ति हम अनुभव करना शुरू करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे डिसीशन मेकिंग में बहुत क्लैरिटी आ जाती है, हमारे कारोबार करने के तरीके में बहुत एक्यूरेसी आ जाती है, हम देखते हैं कि हमारे स्वास्थ्य का पर भी उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जितना हम पीसफुल रहते हैं उतना हम हेल्दी रहते हैं। और जिसे हम तलाश रहे थे, कब से ही कह रहे थे कि मुझे शांति चाहिए, तो उसका जो अनुभव हम करने लगते हैं, वेरी ट्रू, वो इतना खूबसूरत होता है कि बाकी सारी चीज़ें अपने आप सेटल होने लगती हैं। सही बात है, और उसके साथ साथ खुशी, तो परमात्मा की याद से जो अंतर की खुशी है, क्योंकि आत्मा अपने अंतर के गुणों को और शक्तियों को अनुभव करने लगती है, अपने अंतर की जो ब्यूटी है और उस संबंध में जो वो स्नेह का अनुभव कर रही है, उस ब्यूटी को, उस पावर को अनुभव करती है, तो बहुत खुशी का अनुभव होता है। तो वो जब खुशी अनुभव होती है, जो हैप्पीनेस है, वो वर्चू जो है, वो कारोबार में जब व्यक्ति आता है तो व्यक्ति बहुत क्रिएटिव रहता है, क्योंकि हैप्पीनेस है तो ऑटोमेटिकली कोई भी सिचुएशन, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कोई भी चैलेंज हो, उसमें वो क्रिएटिवली सोच आसानी से निकल जाता है, वो सिचुएशन निकल जाती है, आई कैन एक्चुअली वाउच फॉर इट, और सबसे बड़ी बात है पूरा माहौल जो है, वातावरण जो है वो उसी खुशी का हो जाता है। हैप्पी पीपल कैन क्रिएट हैप्पीनेस, और फिर वो चीयरफुल रहता है, उसके व्यक्तित्व में वो हर्षित मुक्ता एक नेचुरल नेचर बन जाती है, और फिर वो खुशी का आदान प्रदान करता है लोगों के साथ। जैसे हम कहते हैं ना कि खुशी जैसी कोई मिठाई नहीं, नहीं, दिल खुश मिठाई हम सबको खिला सकते हैं, लेकिन वो जब हम अनुभव करते हैं तो हम दे सकते हैं। तो वो परमात्मा की याद से और उसके साथ के अनुभव से इंटरनल हैप्पीनेस जो है वो स्ट्रेंथन होती जाती है। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन थिंग्स टू हैपन फ्रॉम आउटसाइड, और वो हैप्पीनेस जो है वो ऑटोमेटिकली हमें क्रिएटिव भी बनाती है और हम चीयरफुल भी रहते हैं, एनवायरमेंट में भी हम एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि और भी वर्चूज हमारी स्ट्रेंथन होती जाती है, नॉलेज। तो आज तक हमने इन्फॉर्मेशन तो प्राप्त की थी, लेकिन हर चीज़ बाहर के बारे में हमें पता था, लेकिन कई चीज़ें हमें पता नहीं था, इनर स्पेस वॉज अनएक्सप्लोर्ड, अननोन, तो वो भी हमने समझना शुरू किया। तो नॉलेज जो है उससे विजडम प्राप्त हो जाता है, और विजडम के आधार से फिर हम जो निर्णय लेते हैं उसमें हम देखते हैं कि फार साइटेडनेस होता है, परिपक्वता भी आ जाती है, मैच्योरिटी आती है, समझ आती है, हम उस समझ से वो निर्णय लेते हैं, जिसको हम कहते हैं त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट के भी अनुभव क्यों हुए हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि समझ मिल गई, कर्म की नॉलेज मिल गई, कर्म की फिलॉसफी हमने समझ लिया है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके अनुभव को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। तो वो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ रहते हैं, वर्तमान में हम समझ लेते हैं कि ये मौका हमारे हाथ में है, तो इस वर्तमान को हम सकारात्मक रूप में प्रयोग करना, इस मोमेंट को
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पावर फील करते हैं. और फ्यूचर के लिए हमें पता है कि जो प्लान है फ्यूचर में वो भी बहुत अच्छा है, वो एक हायर विजन को हम सामने देखते हैं. तो त्रिकालदर्शी होकर फिर हम निर्णय लेते हैं, वो विजडम आता है. नहीं तो फिर हम देखते हैं कि आज जो निर्णय लिए जाते हैं, अगर सिर्फ हम परिस्थिति के प्रभाव में निर्णय ले लेते हैं तो कई बार वो वाइस नहीं होता और वो शॉर्ट साइटेड रह जाते हैं. आज जब हमारे पास वो बड़ा गेम प्लान है तो हमारा जो हर डिसीजन जो है वो उसी से जुड़ा हुआ हो जाता है. और ज्ञान को रोशनी कहा जाता है. तो ये जो अज्ञानता का अंधकार है जिसमें हम देखते हैं कन्फ्यूजन रहता है, इल्यूजन्स रहते हैं, इनसिक्योरिटी रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, हमेशा लगता है मैं ही ये क्यों करूँ, मैं ये कैसे हूँ, मेरा जीवन ऐसा क्यों, ये सब जो प्रश्न हैं वो धीरे धीरे वो प्रश्न जो है वो सॉल्व होना शुरू गिर जाते हैं. एक्चुअली प्रश्न एक वक्त ऐसा आ जाता है कि प्रश्नों का जो है वो आधार ही नहीं रहता. तो वो रोशनी जो है वो अंतर के उस अंधकार को समाप्त करना शुरू कर दें. तो हम देखते हैं कि खुशी भी हमारी बहुत पावरफुल हो जाती है, हमारा समझ जो है, ज्ञान जो है वो हमारे नेचर में आता जाता है. और फिर अंदर से जब प्रेम का अनुभव होता है, परमात्म प्यार जो है, गॉड्स लव इज सो पावरफुल, वो हमें इतना कंप्लीट फील करता है, वो इतना अनलिमिटेड लेवल पर हम वो प्यार का अनुभव करते हैं कि हर एक के प्रति गुड विशेस रखना इजी हो जाता है. बिल्कुल, हर एक के साथ हम बहुत लविंगली डील कर सकते हैं, जो केयर और कंसर्न, जो कंपैशन होना चाहिए. क्योंकि आज हम देखते हैं कि जब हम लोगों के साथ काम करते, चाहे परिवार में हो चाहे कारोबार में है, हर एक को प्यार चाहिए, हर एक को कंपैशन चाहिए. लेकिन हमको लगता है कि हर एक मुझसे ही मांग रहा है, मैं किससे मांगूँ. लेकिन मैं जब परमात्मा से वो अनुभव कर रही हूँ उस कंप्लीट लव को, उस एब्सोल्यूट लव को, उस अनकंडीशनल लव को, तो फिर लोगों के प्रति केयरिंग रहना, कंसिडरेट रहना, उनके प्रति कंपैशन रखना नेचुरल हो जाता है. इट्स नॉट एन एफर्ट, यस, इट हैपेंस नेचुरली, यस. फिर हम ऑटोमेटिकली वो गुडनेस देखना शुरू करते हैं, हमारे एक्शंस भी ऑटोमेटिकली लविंग हो जाते हैं, बहुत इजी हो जाता है. तो आपने हमें बताया कि जब परमात्मा का साथ मिल जाता है और अध्यात्म के इस रास्ते पर जब वो स्वयं कह रहे हैं कि हम उनकी संतान हैं और उनके हर गुण के हम जो हैं हमें उन्हें प्राप्त हो सकता है, हमें मिल चुका है, तो फिर वो लेते हुए अगर हम इस जिम्मेदारी को उठाएँ तो वो आसान हो जाती है. सिस्टर दीपा, आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. ओम शांति. हिम्मत बच्चा मदद खुदा, ये बात हम सदियों से जानते आ रहे हैं लेकिन अभी तक ये नहीं जान पा रहे थे कि हमने हिम्मत क्या करनी थी. कई बार जब ये सवाल आता था तो लगता था कि हिम्मत क्या करनी है. आज जब ये सामने है कि पहला कदम हमें उठाना है, हमें उस सच्चाई की तरफ बढ़ना है, वो जो सही स्वरूप में अपने आप को देखते हुए पहला कदम, चाहे वो साइलेंस का हो, चाहे वो हिम्मत करने का हो, चाहे वो पेशेंस का हो, वो उठाना है. मदद खुदा की अपने आप मिल जाएगी. परमात्मा जो इंतज़ार कर रहा है हमारा हाथ पकड़ के हमें उस ट्रैफिक जैम से बाहर निकालने का, तो उसके लिए हाथ हमें भी आगे बढ़ाना पड़ेगा. कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. इफ़ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वॉन्ट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, कॉल अस ऑन 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसा सफ़र है जो यूं ही चलता रहेगा. जागरूकता किसी भी वक्त किसी भी समय हो सकती है. परमात्मा का साथ उसी पल हमें मिल सकता है जब हम अवेयर हो जाते हैं उसके होने का. तो फिर आप अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा. जागरूकता या अवेकनिंग उसी पल हो जाती है जब हम इस बात के लिए अवेयर हो जाते हैं कि हम कौन हैं और परमात्मा की सही पहचान मिल जाती है. तो अब आपसे इजाज़त लेते हैं, अगली कड़ी में फिर होगी मुलाकात. ओम शांति. ओम शांति. ओम.